भाई का वेदर कितना सही है ना। वैसे एक बात बोल, ये वीडियो बनाने के लिए मोबाइल अच्छा ही है कैमरा? और वैसे भी आजकल तो कैमरा के प्राइस में मोबाइल और मोबाइल के प्राइस में कैमरा आ जाता है। क्या मतलब सैमसंग गैलेक्सी S20 30,000 का आता है और सोनी FX30 का सिर्फ बॉडी 1.5 लाख का आता है। क्वालिटी में डिफरेंस तो होगा ना, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि वीडियो बनाने के लिए कौन सा अच्छा है। ऑफ कोर्स कैमरा, ऐसा मुझे और हर किसी को लगता है जिनके पास वीडियो बनाने के लिए सिर्फ एक मोबाइल है। देख भाई, कैमरास में सेंसर्स बड़ा है तो ज्यादा लाइट कैप्चर करता है, मोर डिटेल्स, डेप्थ ऑफ फील्ड और भी बहुत कुछ, लेकिन इन टेक्निकल बातों का हम क्या। अच्छा भाई, अगर कैमरा और मोबाइल के बीच कंपेयर किया जाए तो कैसा रहे? क्या मतलब हमारे पास ना ही कैमरा ना ही खरीदने के पैसे? लेकिन मेरे पास तो कैमरा ही है। सो दिस इज निकॉन कूलपिक्स P100। A 10.3 megapixel camera with 26x optical zoom that can record video up to 1080p and up to 240 frames per second. क्या मतलब कैमरा खरीद लिया और बताया तक नहीं, जब कैमरा मेरा है ही नहीं? मेरे मौसा जी का है। So thank you Mezoni, जो तुम वीडियो डर देख चो। तो सबसे पहला difference between this camera and this mobile is dynamic range. Mobiles के अंदर ये सब dynamic range colors सब fake होते हैं। Actually totally fake नहीं। बट मोबाइल्स के अंदर सॉफ्टवेयर एडवांसमेंट, AI प्रोसेसिंग और भी बहुत सारे पोस्ट प्रोसेसिंग के कारण मोबाइल के फुटेजेस एक्चुअल में देखने में अच्छा लगता है। वैसे ये कैमरा 2010 में लॉन्च हुआ था अकॉर्डिंग टू गूगल, तो इससे इमेज स्टेबिलाईजेशन एक्सेप्ट करना इज लाइक बट इस कैमरा के एक बहुत ही कूल फ्यूचरिस्टिक सा फीचर है एंड दैट इज इट्स टिल्टिंग स्क्रीन। देख, मोबाइल और कैमरा में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है ना वो है जूम का, क्योंकि कैमरास में आता है ऑप्टिकल जूम और मोबाइल्स में आता है डिजिटल जूम, जिसमें क्वालिटी खराब हो जाता है। डिजिटल जूम और ऑप्टिकल जूम के बारे में नहीं पता? ऑप्टिकल जूम होता है जिसमें लेंस आगे पीछे फिजिकली मूव करके जूम इन और जूम आउट करता है, और डिजिटल जूम इज द क्रॉप पार्ट ऑफ ए बिगर पिक्चर, मतलब वही फोटोज खींचने के बाद क्रॉप करने का कॉन्सेप्ट। अब देखो, इस कैमरा में स्टेबिलाईजेशन ना होने के कारण मुझे ज्यादातर शॉट्स ट्राइपॉड पे रख के स्टैटिक ही लेना पड़ रहा था। ये कैमरा एक पॉइंट एंड शूट कैमरा है, तो इससे जितना कम एक्सपेक्ट किया जाए मेंटल हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है। बट ऑलवेज रिमेम्बर, ये डायलॉग जाना पहचाना रहता है, बट ऑलवेज रिमेम्बर, लेकिन हमेशा याद रखना, आपकी वीडियो की क्वालिटी, द एक्चुअल क्वालिटी नॉट द इमेज क्वालिटी, डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी मोर देन योर गैजेट और इक्विपमेंट, क्योंकि आजकल लोग तो मोबाइल से भी शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। बाय। देखिए, इस वीडियो में मैंने इस कैमरा और एक मोबाइल के बीच लो लाइट परफॉर्मेंस का कोई टेस्ट किया ही नहीं, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यह कैमरा एक्चुअली फोटोग्राफी के लिए बनाया गया। हम तीनों भाई, तीनों तबाही।